इट्स बीन आई गेस 3 ईयर्स ऑफ माई फिटनेस जर्नी. मेरा वेट अराउंड 40 kg था. हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब वीडियो. सो माय नेम इज़ अर्ग धंधारिया. सो आज का वीडियो होने वाला है शोल्डर और आर्म्स का. सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. लेट्स गो. एंड पहले वार्म अप करूँगा मैं और फिर स्टार्ट करते हैं. दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब. सो आई एम लिटिल बिट नर्वस बट एनीवेज लेट्स डू इट. शोल्डर एक्सरसाइज करते टाइम हमेशा ध्यान रखना कि अच्छे से आपका वार्म अप हो चुका हो और एक दो सेट लाइट वेट से वार्म अप करो पहले. और क्योंकि काफ़ी डेलिकेट पार्ट होता है शोल्डर, और ईगो लिफ्टिंग कभी मत करना. मोस्टली इंजरीज जो होती है जिम में शोल्डर की होती है, तो मेक श्योर आपका ब्लड फ्लो अच्छे से हो गया हो शोल्डर्स में, उसके बाद में हैवियर जाओ. वार्म अप कम्प्लीट हो चुका है और शोल्डर का वार्म अप भी हो चुका है, और अब मेन सेट करेंगे शोल्डर का. वो होगा 17.5 से 10 रैप्स. अब हम लोग करने वाले हैं सेकंड सेट 20 kg से, तो इसके आई गेस 10 रैप्स आएंगे. लेट्स सी कितने रैप्स आते हैं. काउंट करना मेरे साथ में. फील्स हैवी. लेट्स गो. फक. We got 7 reps. Next section maybe we'll aim for the 8. That's how we're gonna progress. Second exercise we're gonna do is lateral raise. शोल्डर की दो ही मेन मूवमेंट है मेरे, ओवरहेड प्रेस OHP एंड सेकेंड है लेटरल रेस. तो इनके चार चार सेट करता हूँ मैं सेम वेट से. एंड मेरा रैप काउंट होता है अराउंड 8 to 10. जब मेरे को 8 रैप्स आने लगते हैं सेम वेट पे, देन आई इंक्रीज द वेट इन द नेक्स्ट सेशन. सो शोल्डर वर्कआउट इज़ डन. और अब हम लोग करने वाले हैं आर्म्स. Yeah.
सो ऑल्टरनेट करने वाले हैं हम लोग, पहले एक सेट एक एक्सरसाइज बाइसेप्स की देन ट्राई. सो मूविंग फॉरवर्ड टू द ट्राइसेप्स नाउ, लेट्स सी. ट्राइसेप्स के लिए मेरी मेन मूवमेंट होती है पुश डाउन, तो बिकॉज आई कैन गो हैवियर इन दैट एंड मुझे बहुत अच्छा मसल माइंड कनेक्शन फील होता है. आपके लिए अलग अलग हो सकती है, जिसमें भी आपको मसल माइंड कनेक्शन फील हो वो एक्सरसाइज चूज करो आप. And they still disconnected cause their mind's been infected and they're filled with objection, too filled for recollection, so we're losing all attention. They don't know I'm in contention cause I'm gaining their attention, cause I'm making a connection. Lyricism and aggression got me feeling my ascension and my passion, my profession. I'm attacking my obsession, taking action and progressing up. I go forth for the energy, that's what makes them scared of me, cause my plans can't believe that execute them terribly. Iske bhi char set karne hai. Isme aap repetition jyada kar sakte ho. Rep range jo hai मैं 10 से 12 के बीच में करता हूँ. फेलियर मेरा वही है. एंड आई चूज़ द पर्टिकुलर वेट सिंगल वेट पे, मतलब हर सेट के लिए सेम वेट में ही चूज़ करता हूँ और उसमें ट्राई करता हूँ 10 टू 12 के बीच में मेरा फेलियर आए. बाइसेप्स की नेक्स्ट एक्सरसाइज होने वाली है हैमर कर्ल, ऑल्टरनेट डंबल वाली. ट्राई करो कि हैमर कर्ल में आप हैवी जा सको. सो आई एम गोना स्टार्ट विद 15 kg डंबल्स. मैंने अभी अपना BMI करवाया एंड आई एम सरप्राइज मेरा बॉडी फिट परसेंट आ रहा है 6.3 ओनली. सो विच इज़ अ गुड साइन. मेरे को फैट का इतना है नहीं क्योंकि आई एम ऑलरेडी लीन. मेरा बहुत लीन मसल है, सो इट्स अ गुड थिंग. फैट लॉस पे इतना फोकस नहीं करना पड़ता और लोगों के जैसे. और खाने के भी फुल छूट है, जो मर्जी वो खा सकता हूँ मैं. 1:30 बजे रात की सिर्फ वीडियो शूट करने के लिए मैं इतना लेट आया हूँ ताकि आई डोंट गेट द डिस्टर्बेंस. और भाई पहला वीडियो तो बहुत शाय फील हो रहा था, आई एम इंट्रोवर्ट टोटली, तो कैसे जैसे करके शूट किया है. सो प्यार दिखाना इस वीडियो को, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और पसंद आए तो लाइक कर देना, नहीं आए तो डिसलाइक कर देना, नो इशू. और कमेंट ज़रूर छोड़ना एक पॉजिटिव नेगेटिव जो तुम्हारा मन हो वीडियो को देख के. बाकी और वीडियोज़ आती रहेगी और आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं अच्छी वीडियोस बनाऊं. दिस इज़ द फर्स्ट वन, सो थोड़ा ऊपर नीचे लेफ्ट राइट. सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूंगा मेरे डाइट का, मैं डेली क्या डाइट ले रहा हूं फ़िलहाल, और एक सीक्रेट रेसिपी बताऊंगा मेरे शेक की. मैं दिन में 2 शेक लेता हूं. एक अर्ली इन द मॉर्निंग मेरा ब्रेकफास्ट होता है हैवी, मेरा सबसे हैवी ब्रेकफास्ट ही होता है. दैन पोस्ट वर्कआउट मील होता है वही शेक सेम, आई डोंट एड एनीथिंग एक्स्ट्रा. तो उस शेक का जो रेसिपी है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, यू विल लव इट. एंड एक शेक में अगर मैं बात करूँ तो इट्स अराउंड 1000 कैलोरीज. इनफ फॉर टुडे, मिलता हूँ आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में. और आई प्रॉमिस कि नेक्स्ट वीडियो बहुत नेक्स्ट लेवल होने वाली है. मैं थोड़ा सीखूंगा एडिटिंग एंड ऑल, शूट करने का थोड़ा कॉन्फिडेंस, ये सब धीरे धीरे आएगा. जीरो से स्टार्ट करना होता तो मैंने स्टार्ट कर दिया. मेरे को काफ़ी टाइम से था एक अंदर से कि स्टार्ट करना है. इट्स बीन आई गेस 3 ईयर्स ऑफ माई फिटनेस जर्नी. मेरा वेट अराउंड 40 kg था जब मैंने एनी टाइम फिटनेस ज्वाइन किया, तो अभी मेरा करंट वेट 57 के अराउंड है. तो टोटल प्योर मसल मास एंड लीन फैट 6.3% है. मैंने अभी आज आते ही BMI कराया, सो आई कैन अपडेट यू गाइस. सो मेरा भी इस साल का गोल है 65 kg मुझे हिट करना है. तो मैं चाहता था कि आप लोग भी मेरे साथ इस जर्नी में ऐड हो ताकि आप लोगों को पता चले कि कितना क्या प्रोसेस हो रहा है. तो मैं शूट करना चाहता था सब कुछ, मेरा प्रोग्रेस आप लोगों के साथ शेयर भी करना चाहता था, तो एक मेरे को भी मेमोरी रहेगी कि हाँ ठीक है मैंने कुछ किया. सो बेस्ट ऑफ लक टू मी, कोई बोले ना बोले खुद को तो करना ही है. सो
सी यू इन गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए ध्यान रखो अपना, टेक केयर, गुड नाइट.